आज हम पॉलिटी में एक नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश प्रयास पर, और आपके अपने ही परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटे टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, और वह टॉपिक्स है आपका भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, क्लियर है? इसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कई बार आप लोग को प्रश्न जो है भारत का महान्यायवादी ना लिखकर अटॉर्नी जनरल को हिंदी में लिख दिया जाता है, अटॉर्नी जनरल। इसलिए इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ध्यान देना है आप लोग को। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर चर्चा कर रहे हैं, और वह है भारत का महान्यायवादी, या फिर कहें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, भारत का महान्यायवादी ना लिखकर हिंदी में ही लिख दिया जाता है अटॉर्नी जनरल। तो अगर आप ध्यान रखे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है पहला बात? अब आइए अगला देखते हैं। अगला है, यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, या फिर कह सकते हैं विधि अधिकारी होता है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोग से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देश का सर्वोच्च या सबसे बड़ा कानूनी या विधि अधिकारी कौन होते हैं। तो आप लोग का आंसर क्या होगा भाई? अटॉर्नी जनरल, या फिर भारत का महान्यायवादी। दूसरे पॉइंट पर ध्यान देते हैं। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो ध्यान दीजिए, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार के भी रूप में काम कौन करते हैं? आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। क्लियर? दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के वकील के रूप में भी कार्य करते हैं कौन? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। भाई इतना तो क्लियर है आप लोगों का। ये दो पॉइंट पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोग से पूछा गया है। आप लोग से पूछा जाएगा कि बताइए देश का सर्वोच्च कानूनी या विधि अधिकारी कौन होते हैं। क्या आंसर देंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या भारत का महान्यायवादी। क्लियर? उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के वकील के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? भारत का महान्यायवादी। क्लियर? चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर होगा 76। किस अनुच्छेद में है? 76। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर क्या देंगे हम लोग? राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, आंसर क्या देंगे हम लोग? भारत का राष्ट्रपति। क्लियर? अब चलिए, महान्यायवादी इस्तीफा अगर देंगे तो किसको देंगे? क्वेश्चन पूछेगा, महान्यायवादी को अगर इस्तीफा देना है तो किसको देंगे? आंसर होगा राष्ट्रपति को। तो नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इस्तीफा किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को। क्लियर है? किस अनुच्छेद के तहत उल्लेख है? 76। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। इनका कार्यकाल, महान्यायवादी का कार्यकाल, तो क्वेश्चन पूछेगा कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल। तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो क्या है? कार्यकाल। तो कार्यकाल में आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति के इच्छा पर।
राष्ट्रपति के इच्छा पर। तो इनका कार्यकाल की निश्चित अवधि का उल्लेख संविधान में नहीं है, निश्चित अवधि का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो अगर आप लोग से पूछे कि बताइए महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिन का होता है, आप लोग का आंसर क्या होगा? आप लोग का आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा। और संविधान में इनके कार्यकाल का कोई निश्चित उल्लेख नहीं मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनकी योग्यता। योग्यता, महान्यायवादी नियुक्त होने की योग्यता। तो योग्यता पर ध्यान रखिएगा। योग्यता में कहा गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता जिस व्यक्ति में होगा उसी को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। तो महान्यायवादी के नियुक्ति की योग्यता क्या है भाई? तो आंसर क्या देंगे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही महान्यायवादी बनने की योग्यता है। अब आप लोग के दिमाग में जा रहा होगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। तो तीन मुख्य पॉइंट ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक। तो जो भारत का नागरिक होगा वही उच्चतम न्यायालय के क्या होंगे? न्यायाधीश। फिर हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव हो, वकालत का अनुभव प्राप्त हो। और तीसरा है या तो हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। तो ये मुख्य योग्यता है आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की, और यही योग्यता है महान्यायवादी की नियुक्ति का। तो योग्यता क्लियर है हम लोगों का। चलिए अब ध्यान रखिएगा आप कि इनका जो कार्य है वो क्या है। कार्य महान्यायवादी के कार्य, अगर पूछे आप लोग से कि महान्यायवादी का कार्य बताइए, कार्य, तो यह भारत सरकार को, यह मतलब महान्यायवादी, यह भारत सरकार को विधि के मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। तो अगर पूछे महान्यायवादी का कार्य, क्या बोलेंगे भाई? यह भारत सरकार को विधि के मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। क्लियर? चलिए अब है कि इसकी शक्ति, तो महान्यायवादी की शक्ति, महान्यायवादी की शक्ति, पहला पॉइंट पर ध्यान देना है। भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार, भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार। तो भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार दिया गया है किनको? तो महान्यायवादी को। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का अर्थ मतलब राज्यसभा और लोकसभा, एवं
समितियों की कार्यवाही में, समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो संसद के दोनों सदनों एवं समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन कई बार आप लोग से पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन पदाधिकारी ऐसे हैं जो संसद के सदस्य ना होते हुए भी वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। आंसर क्या देंगे? भारत का महान्यायवादी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ये। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वे संसद के सदस्य नहीं हैं। तो कौन ऐसे अधिकारी हैं जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन संसद के सदस्य नहीं हैं? आंसर क्या देंगे? अटॉर्नी जनरल। लेकिन ध्यान देना है कि संसद में अगर मतदान की प्रक्रिया चल रही हो तो मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर संसद में मतदान की प्रक्रिया चल रही हो तो उसमें भारत के महान्यायवादी शामिल नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। कार्रवाई में भाग लेंगे लेकिन मतदान में शामिल नहीं होंगे। चलिए ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त है, संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद सदस्य को जो विशेषाधिकार प्रदान किया गया है वही विशेषाधिकार महान्यायवादी को भी प्रदान किया गया है। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या महान्यायवादी भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य हैं? आंसर होगा नहीं। जबकि ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में, कहां पर भाई? ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं लेकिन भारत में महान्यायवादी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो किस देश में होते हैं? ब्रिटेन में। क्लियर है? चलिए, अब है अगला पॉइंट, कार्यकाल की समाप्ति। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कार्यकाल की समाप्ति। क्या बोलेंगे भाई? कार्यकाल की समाप्ति। चलिए, कार्यकाल की समाप्ति, तो कार्यकाल की समाप्ति पर ध्यान रखना है। तीन पॉइंट है इसमें। कार्यकाल की समाप्ति, फर्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर फर्स्ट क्या होगा? राष्ट्रपति अगर उनको पद से हटा दे तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर, राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर। क्लियर? अगर वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देते हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा भाई। क्लियर? तीसरा है मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर, अगर मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद त्याग पत्र दे देता है तो उनका पद भी स्वतः समाप्त हो जाता है भाई। क्लियर है आप लोगों का? तो तीन तरह से उनके कार्यकाल की समाप्ति होता है। फर्स्ट बताइए, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, सेकेंड राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर, और थर्ड मंत्री परिषद द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर। क्लियर? चलिए, अब ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि महान्यायवादी के सहयोगी कौन होते हैं? सहयोगी, तो महान्यायवादी के सहयोगी होते हैं कौन? तो याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। तो ये महान्यायवादी के सहयोगी होते हैं, और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो ये दोनों महान्यायवादी के सहयोगी होते हैं लेकिन इनका उल्लेख
अनुच्छेद 76 में नहीं है। तो महान्यायवादी के सहयोगी के रूप में कौन कार्य करते हैं? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए क्या आंसर देंगे? सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। लेकिन इनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में नहीं है। क्लियर है? चलिए अब है कि पहले महान्यायवादी कौन थे? प्रथम महान्यायवादी, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को। बताइए भाई, भारत के प्रथम महान्यायाधीश कौन थे? आप लोग बोलिए, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हम सुन रहे हैं भाई आप लोगों का, आपकी आवाज मेरे दिल तक, मेरे कानों तक पहुंच रही है। आप बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कि पहले महान्यायवादी भारत के कौन थे? तो आंसर होगा एम सी सीतलवाड़। और एक क्वेश्चन इससे बनता है, सबसे अधिक समय तक इस पद पर रहे थे कौन? तो एम सी सीतलवाड़। कब से कब तक भाई? तो ध्यान रखिएगा, 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक। तो एम सी सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी थे, सबसे अधिक समय तक इस पद पर रहे थे। कब से कब तक? 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आंसर होगा के वेणुगोपाल। क्या आंसर देंगे भाई? के वेणुगोपाल। और ये देश के 15वें महान्यायवादी हैं। तो अगर पूछे कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, क्या आंसर होगा? के वेणुगोपाल। किस क्रम के हैं? 15वें। और ये कब से पद पर हैं? तो 30 जून 2017 से 30 जून 2017 से तो इस पद पर हैं, 30 जून 2017 से। क्लियर है भाई? तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन छोटे टॉपिक्स पर चर्चा किए हैं। अगर आप लोग गौर से, एकदम इत्मीनान से अगर इसको देखे हैं और इसका नोट्स बना लेते हैं और 2-4 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो अब आप लोग बना पाएंगे। ध्यान रखिए, रिवीजन बार बार करना है। रिवीजन ही की पॉइंट है, की फैक्टर है। और रिवीजन आप लोग को कम से कम किसी चीज को 5 बार करना है। कितने बार भाई? 5 बार। आप दिमाग में रखिए कि आपके दिमाग में 2 तरह के मेमोरी हैं, एक शॉर्ट मेमोरी और एक लॉन्ग मेमोरी। क्लियर है? अगर लॉन्ग मेमोरी में किसी बात को आपको डालना है तो कितने बार रिवीजन करना होगा? 5 बार। ध्यान रखिएगा, 5 बार रिवीजन जो होगा वो कितने दिन में? फर्स्ट के बाद 3 दिन बाद, दूसरा 6 दिन बाद, तीसरा 9 दिन बाद, चौथा 12 दिन बाद, पांचवा 21 दिन बाद। तो अगर इस क्रम से इस बात को या किसी भी बात को आप रिवाइज कर लेते हैं तो वह बात आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है और फिर कभी भी यहां से प्रश्न आएगा आप लोग कर पाएंगे। तो रिवाइज करना या रिविजन की फैक्टर है आपके याददाश्त का। क्लियर? किस तरह से रिवीजन करेंगे आप? तो पहली बार 3रे दिन, दूसरी बार 6ठे दिन, तीसरी बार 9वें दिन, चौथी बार 12 दिन और पांचवी बार 21वें दिन। क्लियर? तो चलिए भाई, अगले टॉपिक्स में फिर किसी विषय के साथ मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो समझा रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आप समझ पा रहे हैं और लगता है कि यह हमारे लिए उपयोगी है तो निश्चित तौर पर, अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।